आज का अपना लास्ट टॉपिक रहेगा टेंडिंग ऑपरेशन। यहाँ पर आकर के अपना सिल्वीकल्चर खत्म हो जाता है। टेंडिंग ऑपरेशन टॉपिक बहुत अच्छा है, छोटा टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर साल इससे एक क्वेश्चन आ जाता है अपना सिल्वीकल्चर में या IFS में। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें टेंडिंग ऑपरेशन से क्वेश्चन ना आए, और छोटा टॉपिक है तो आसानी से हो भी जाता है। बस इस टॉपिक में दिक्कत ये आती है कि एक तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है भयंकर वाला, ये जो टेंडिंग टर्म है और इसके बीच में हम लोग एक थिनिंग टर्म समझेंगे। थिनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, थिनिंग, थिन मतलब पतला, तो थिनिंग मतलब जंगल को पतला करना। तो टेंडिंग और थिनिंग के बीच में एक तो कन्फ्यूजन हो जाता है, और यहाँ पर 6 टाइप के हम लोग थिनिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे, 6 टाइप के। तो इनमें किसके अंडर क्या करते हैं ये कन्फ्यूजन मारता है। बस अगर आपने इसे थोड़ा ध्यान से देख लिया, एक बार आपका वो पैटर्न दिमाग में बन गया, फिर कोई नहीं है, आप ये मान के चलिए कि आपके 10 मार्क पक्के हो गए। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले टेंडिंग का मतलब हुआ ट्रेनिंग, अगर दिमाग में रखना है आपको, टेंडिंग मतलब ट्रेनिंग ऑपरेशन। इशू कहाँ है, मान लीजिए मुझे इस टाइप का टिम्बर रिक्वायर है जहाँ पेड़ जो है वो स्ट्रेट हो, स्मॉल क्राउन हो, फाइबर उनके सेपरेट हो जिससे रेट ऑफ टैपरिंग थोड़ी कम हो। एक बेस्ट क्वालिटी के टिम्बर का हमें प्रोडक्शन करना था, और उसके लिए मैंने यहाँ पर प्लांटेशन कर दी थी 20 साल पहले प्लांटेशन कर दी थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मैंने प्लांटेशन कर दी और इसके बाद मैं 20 साल चादर ओढ़ के सोऊंगा, और जैसे ही मैं 20 साल बाद उस एरिया में पहुंचूंगा मुझे ये जिस साइज शेप के टिम्बर चाहिए थे वो मुझे मिल जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है, बीच बीच में कुछ ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि कटाई छटाई का काम है, क्लीनिंग है, वीडिंग है, वीड ग्रो कर रहा है, कोई दूसरी स्पीसीज ग्रो कर गई उसे निकालना है, क्लिम्बर ग्रो कर जाते हैं जो बेल वाले हैं ऊपर चढ़ जाते हैं, क्लिम्बर्स हैं उनको निकालना होता है, निदाई गुड़ाई का काम है, ऐसे सारी चीजें ऑपरेशन करने पड़ते हैं। और इसमें भी जो पेड़ हमने लगाए हैं, सपोज मैंने यहाँ टीक की प्लांटेशन की है, तो टीक में भी कुछ ऐसे पेड़ हो सकते हैं जो कमजोर रह जाए, वीक है, उनको भी काट के निकालना होता है, अदरवाइज वहां पर डिसीज हो सकती है, इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इस टाइप से हमें कुछ मैनेजमेंट करना होता है। इसका सिंपल वे में बोला जाए कि ये एक बालक है, उसको मुझे एडल्ट फेज में लेके जाना है, तो इसे मैं यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि बेटा कैसा तुम्हें बनना है। तो जो ट्रेनिंग का फेज है इसे बोलेंगे हम टेंडिंग ऑपरेशन। पर्पज क्या है अपना, कि हमें जो लास्ट में जो क्रॉप मिले वो बेटर हो, अच्छी तरह की हार्वेस्ट हो, उसका सही तरीके से प्रोटेक्शन होता रहे जिससे डिजीज इन्फेक्शन वगैरह ना लगे, जिससे उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड ना हो और अच्छी परफॉर्म कर सके, जिससे हमें तेजी से ग्रोथ मिल पाए और जो प्रोडक्शन चाहिए वो जल्दी से जल्दी मिल पाए, यानी कि रोटेशन पीरियड कम हो जाए। हम कौन कौन से ऑपरेशन करेंगे इसमें, जैसे कि वीडिंग है, क्लीनिंग है, थिनिंग और इम्प्रूवमेंट फिलिंग, इसमें थिनिंग और इम्प्रूवमेंट फिलिंग को हम लोग थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे, क्लिम्बर कटिंग है, प्रूनिंग है, गर्डलिंग ऑफ अनवांटेड ग्रोथ, ये सारे ऑपरेशन करते हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि टेंडिंग ऑपरेशन क्या है, आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो क्या क्या करते हैं उसके, तो आपको ध्यान रखना है। थिनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं थिन है, कोई पतला है, थिनिंग का मतलब है कहीं पेड़ आपके बहुत सारे लगे थे, आपने इस वेजिटेशन के कुछ पेड़ों को रिमूव कर दिया जिससे थोड़ा पतला हो गया, थिनिंग टेंडिंग ऑपरेशन का एक पार्ट है। बहुत सारे ऑपरेशन आते हैं टेंडिंग में, उनमें से एक थिनिंग है। अब हम लोग एक एक करके ये सभी ऑपरेशन को पढ़ेंगे। जैसे पहला है वीडिंग, हम लोग मेंटेनेंस में देख चुके हैं वीडिंग की, वीडिंग क्या होती है, आप अनवांटेड प्लांट्स हैं उन्हें उस पर्टिकुलर साइट से रिमूव कर रहे हो। इसकी एक ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, एक तो कॉम्पिटिशन रिमूव हो जाए अननेसेसरी जो है, दूसरा ये वीड है वो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट के लिए सेल्टर का काम कर देते हैं, वो वहीं पर रहते हैं और फिर अपने प्लांट पे इम्पैक्ट दे देते हैं।
कुछ केस में ये जो वीड है वो सेकेंडरी होस्ट का काम करते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे रहते हैं कि जो गर्मियों के टाइम पे जब अपने मेन प्लांट है, जैसे कि पॉपुलर है, पॉपुलर में जैसे कोई एक डिजीज लग रही है, तो जब पॉपुलर में पत्तियां होती हैं तब वो उस पर अटैक करता है, और जब उसका लीफ शेडिंग वाला पीरियड है तब ये ग्रासेस वाले जो छोटे छोटे प्लांट है इन पर एज ए होस्ट काम कर लेते हैं। तो ऐसे साइकिल बन जाती है, तो ये सेल्टर का काम करने लगते हैं, तो ये सेल्टर वाला पार्ट रिमूव करते हैं लोग। तो ये अपने पर्पज होते हैं वीडिंग के। वीडिंग के मेथड क्या हैं हम लोग पहले देख चुके हैं। आजकल ये तो सिंपल है, ये मैकेनिकल वीडिंग के टाइप है, कंप्लीट है, लाइन है, स्पॉट है। हम लोग आजकल केमिकल वीडिंग भी कर लेते हैं, जैसे 2,4-D है। क्या है? 2,4-D, 2,4-5-T, 2,4-5-T, 2,4-D, 2,4-5-T का स्प्रे कर देते हैं तो वीड अपने आप, जो चौड़ी पत्ते वाले वीड हैं वो मर जाते हैं। बायोलॉजिकल मेथड है, आजकल हम लोग इस टाइप के कुछ और क्रॉप को ग्रो कर देते हैं जो एलिलोफैटी करके वीड को रिटायर्ड करते हैं, उगने ना दें। तो ये सारे अपने वीडिंग के मेथड हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, आप यहाँ लिख सकते हो डिफ्रेंशिएट बिटवीन वीडिंग एंड क्लीनिंग इन फॉरेस्ट स्टैंड विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको पता है कि वीडिंग क्या है, उसके टाइप लिख सकते हो, मेथड लिख सकते हो, तो कुछ हद तक अपना आराम से कर सकते हैं। क्लीनिंग समझ लेते हैं तो आप आराम से कंपेरिजन कर सकते हो। क्लीनिंग का मतलब क्या है? साफ सफाई। आप बोल सकते हो कि फिर वीडिंग और क्लीनिंग में क्या डिफरेंस है? वीडिंग का मतलब है वहां पर कोई खरपतवार प्लांट है जो ग्रो कर रहे हैं, उन्हें आप कट कर रहे हो। क्लीनिंग में हम लोग जो रेजिड्यू है, लीफ लिटर है, वो नीचे डला हुआ है, लीफ लिटर भी वहां पर सड़ गल रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, वो भी कई केस में जो इंसेक्ट पेस्ट है उनके लिए सेल्टर का काम करता है। बहुत सारी फंजाई है जो उस पर ग्रो कर जाती है, और फिर वो फंगल जो इन्फेक्शन है वो पूरी वेजिटेशन को इन्फेक्ट कर देता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि वहाँ ऑर्गेनिक मैटर या जो रेजिड्यू है वो हो, लेकिन एक लेवल में, एक लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए, जिससे फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो क्लीनिंग का मतलब वहाँ साफ सफाई करना। अब साफ सफाई में हम ग्राउंड जो है, वेजिटेशन है, उसे भी साफ करते हैं। वहाँ पर अगर क्लिम्बर वगैरह है, क्लिम्बर के साथ समस्या क्या है कि जो अपना मेन ट्री है उसके चारों तरफ सर्कल बना लेगा। इनिशियल फेज में तो कुछ नहीं है, लेकिन जब ये स्ट्रांग हो जाता है, जैसे वूडी क्लम्बर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में, जैसे लाइनाज होते हैं, तो इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये इतना पेड़ को इतनी मजबूती से जकड़ लेते हैं कि पेड़ प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है। सेकेंडरी मोटाई में ग्रोथ के साथ समस्या आ जाती है। तो इस टाइप के क्लिम्बर जो है उनको कट कर देना है। अगर यहाँ पर कुछ अपने मेन वेजिटेशन में भी कुछ बोल्फ है, बोल्फ ट्री आप यहाँ पर रखोगे, क्या है बोल्फ ट्री, भेड़िया ट्री, ये मतलब क्या है? ऐसे पेड़ जो दूसरे पेड़ के क्राउन को, अपना तो है ही उनके पास, दूसरे पेड़ के क्राउन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, दूसरे के एरिया में कब्जा कर रहा है, ऐसे बोल्फ ट्री को रिमूव कर देंगे। कोई फॉल्टी ट्री है किसी अनडिजायरेबल स्पीसीज का है, ऐसी चीजों को साफ कर देंगे। तो वीडिंग में जहां हम केवल जो ग्रास या वीड जो उग रही है उसी को रिमूव करते हैं, और क्लीनिंग में हम लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है, वो वीड को भी कई बार वीडिंग में वो भी रिमूव कर देते हैं, चारा काट देते हैं। तो ये रहा अपना क्लीनिंग। एक हो गया वीडिंग, दूसरा है क्लीनिंग, और तीसरा है प्रूनिंग। प्रूनिंग का बेसिक पर्पज क्या है? प्रून करना, कतर देना। हम लोग जैसे गार्डन में आपने देखा होगा कि जो माली है वो पेड़ों को एक स्पेसिफिक साइज या शेप देने के लिए वो उसकी चारों तरफ से प्रून कर देता है। हम लोग पेड़ों में जो उसकी साइड की ब्रांचेज हैं उन्हें भी प्रून कर देते हैं। यहाँ हम लोग जो प्रून करते हैं उसके दो पर्पज हो सकते हैं। पहला, हम पेड़ को किसी पर्टिकुलर शेप देना चाहते हैं, जैसे अपने गार्डन्स में है हम उसे बिल्कुल गोल बनाना चाहते हैं या बिल्कुल एलिप्टिकल बनाना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर साइज या शेप देना चाहते हैं, तो उस पर्पज से हम प्रूनिंग दे देते हैं। दूसरा प्रूनिंग का ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमारे यहाँ बेर का एक पेड़ है, जी जी फस मॉरिशियाना, या सपोज मैंगो ले लो,
पेड़ की अभी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, अगर उसमें इस साल फ्लावरिंग ज्यादा आ गई तो फ्रूटिंग भी ज्यादा आएगी, और ज्यादा फ्रूटिंग हो जाएगी तो उसकी जो ब्रांच है वो उसके लोड को झेल नहीं पाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो प्रूनिंग में हम कुछ हद तक ब्रांच को काट छाट कर देते हैं, जिससे जब उसमें फ्रूटिंग आए तो बहुत सारा पार्ट तो हमने वैसे ही काट दिया तो फ्रूट इतने ज्यादा लगेंगे नहीं, तो उस ब्रांच की कैपेसिटी से ज्यादा लोड नहीं होगा, ब्रांच बची रहेगी यानी कि वो टूटेगी नहीं। तो प्रूनिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया। कभी कभी आजकल हम लोग इलेक्ट्रिकल लाइन्स हैं उनके केस भी आ जाते हैं, तो हम पेड़ों को इस टाइप से प्रून कर देते हैं जिससे इनके साथ कोई इशू ना आए। तो आपको प्रूनिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि हम करते क्यों हैं। रिमूवल ऑफ लाइव या डेड ब्रांचेज फ्रॉम द स्टैंडिंग क्रॉप फॉर बेटरमेंट या इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्री और इट्स टिम्बर। यहाँ एक पर्पज और होता है कि हम साइज सेप तो दे ही रहे हैं, अगर कहीं टिम्बर में कोई इन्फेक्शन वाला पार्ट है तो बेटर है उसे वहीं पे काट दिया जाए। जैसे आपके हाथ पैर में इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते तो पैर कट के निकाल दिया, वो भी पर्पज हो जाता है यहाँ। तो आप यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज प्रूनिंग, आप आराम से लिख सकते हो। अंडर व्हाट सिचुएशन इट इज यूज इन फॉरेस्ट स्टैंड एंड व्हाई, मैं शायद ये चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं, आप आराम से लिख सकते हो। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर प्रूनिंग और हम लोग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में एक टर्म पढ़ने वाले हैं लॉपिंग, तो ये प्रूनिंग और लॉपिंग में क्या डिफरेंस है। देखो लॉपिंग के दो सेंस है, लॉपिंग का मतलब आप पेड़ को काट रहे हो या आप पेड़ की ब्रांचेज को काट रहे हो, लेकिन यहाँ ब्रांचेज को जो काटने का ऑब्जेक्टिव है वो पेड़ के प्रोटेक्शन के लिए या पेड़ को किसी स्पेसिफिक साइज शेप देने के लिए नहीं है। लॉप करना मतलब ब्रांच को कट कर देना। एक तो पर्पज होता है कि जैसे आपके पास कोई जानवर है, इनके लिए आप पत्तियां खिलाना चाहते हो, तो आप आराम से गए पेड़ की कुछ ब्रांचें कट करके नीचे डाल दिया, इसको बोलते हैं लॉपिंग। यहाँ पेड़ की साइज शेप मेंटेन करने के लिए ब्रांचेज नहीं काट रहे हो आप, यहाँ पेड़ लोड नहीं ले पा रही, ब्रांचेज टूट जाएंगी, उस पर्पज के लिए नहीं ले रहे हो। आपका पर्पज यहाँ फूडर पर्पज है। दूसरा, जैसे कभी कोई पेड़ काटना होता है, अगर हम सीधा नीचे से काट देंगे ये पूरा ऐसा गिरेगा तो इसकी जो साइड ब्रांचेज है एकदम उन पर लोड आता है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है, कई बार ये पेड़ को यहाँ से ब्रेक कर देती है, तो अपना मेन टिम्बर जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो जब बड़े बड़े पेड़ों को काटा जाता है, जब उनकी फिलिंग कर दी जाती है, तो सबसे पहले उनकी ब्रांचेज काट दी जाती है, इसको भी लॉपिंग बोलते हैं। तो अब ऐसे लॉपिंग के केस के जो डिफरेंस है वो प्रूनिंग से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मेन मुद्दा इनके दोनों के ऑब्जेक्टिव से है, और प्रूनिंग में अक्सर मेजोरिटी केसेस में हम इन्हें यहां से नहीं काटते हैं। प्रूनिंग के केसेस में आप जैसे इस पिक्चर में देख लो कि ज्यादातर हम उसको साइड शेप दे रहा है, तो साइड की जो छोटी छोटी ट्विग्स है उन्हें काटेंगे, अगर ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है तो। इसमें भी वही छोटी छोटी ब्रांचेस साइड की काटेंगे हम लोग, लेकिन लॉपिंग में हम बिल्कुल मेन स्टेम से ही काट देते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टर्म है इम्प्रूवमेंट फिलिंग। ये आपको इम्प्रूवमेंट जो फिलिंग है ये कुछ हद तक आपको क्लीनिंग से या थिनिंग ऑपरेशन से कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि क्लिंग में भी हमने क्या पढ़ा था क्लीनिंग में, कि आप जो वोल्फ ट्री है या डेड डाइंग ट्री है उन्हें आप साफ कर देते हो, और इम्प्रूवमेंट फिलिंग में भी वही चीजें पढ़ोगे तो आप बोलोगे भाई ये दोनों में फर्क क्या आ रहा है। देखो ऑब्जेक्टिव देखो, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि आपकी वेजिटेशन यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ पर आप बीच बीच में कुछ पेड़ों को काट रहे हो, इनके काटने का जो आपका उद्देश्य है पर्पज है वो है कि जो यहाँ रिमेनिंग की वेजिटेशन है वो बेहतर परफॉर्म कर पाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये दो चार पेड़ कट जाएंगे एकदम वो स्पेस निकलेगा, एक कंपटीशन जो साइड में था वो हट गया। कंपटीशन कहाँ? ऊपर ग्राउंड लेवल पे भी कंपटीशन गया, नीचे रूट लेवल पे भी कंपटीशन गया। तो एक तो कंडीशन कंपटीशन कम होने से जो वेजिटेशन अपनी बचेगी, जो पेड़ वहां पर खड़े होंगे उनके बीच में कंपटीशन कम होने से इनकी कंडीशन सुधरेगी, ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा, ये जो पतले पतले पेड़ हैं
ये इतनी स्ट्रॉन्ग हेल्दी नहीं होते हैं कि कोई इन्फेक्शन आ गया उसका रिस्पॉन्स दे पाए। जो कमजोर लोग होते हैं वो अक्सर बीमारियों का घर की तरह काम करते हैं, सेल्टर फॉर डिजीज। तो अगर हम इन्हें रिमूव कर देंगे तो जो रिमेनिंग है उनमें डिजीज इन्फेक्शन के चांसेस अपने कम होंगे। तो इम्प्रूवमेंट क्या है? रिमूवल या डिस्ट्रक्शन ऑफ लेस वैल्यूएबल ट्रीज इन क्रॉप इन द इंटरेस्ट ऑफ बेटर ग्रोथ ऑफ मोर वैल्यूएबल इंडिविजुअल्स कैरीड आउट यूजली इन मिक्स या अनइवन एजेड फॉरेस्ट। इसको ध्यान रखो, ये पॉइंट जो अपना है भाई स्टार तो लगा दे। अब इम्प्रूवमेंट फिलिंग का कहां पर कर रहे हैं हम लोग? मिक्स या अनइवन एजेड फॉरेस्ट में। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां जब आपको थिनिंग ऑपरेशन से जब आपको कंफ्यूजन होगा, थिनिंग ऑपरेशन हम करते हैं रेगुलर क्रॉप में, लेकिन जो इरेगुलर क्रॉप है उसमें थिनिंग ऑपरेशन हम नहीं कर पाते हैं। जब आप थिनिंग ऑपरेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इरेगुलर क्रॉप में क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इरेगुलर के केस में हम लोग ये जो अनवांटेड स्पीसीज हैं कुछ, या लेस वैल्यूएबल स्पीसीज है, डेड डाइंग पेड़ है, उन्हें आराम से निकाल देते हैं। ये रहा अपना, ठीक है, थिनिंग कैरेट आउट इन इवन एजेड। यहाँ पर वही लिख रखा है, थिनिंग जो है वो तो इवन एजेड में करते हैं और इम्प्रूवमेंट फिलिंग हम अन इवन एजेड में करते हैं। पर्पज क्या है? जो बैड शेप के हैं, ऐसे पेड़ जिनमें बीमारी वगैरह है, ओवर मैच्योर बूढ़े हो चुके हैं पेड़, डेड डाइंग डिजीज प्लांट्स हैं, ग्राउंड क्राउडेड है जहाँ पर ज़्यादा पेड़ हो गए हैं, बैडली शेप है, इन्फीरियर स्पीसीज है, क्लिम्बर है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ कर देते हैं। तो आपको तीन टर्म जो थे, क्लिम्बर कटिंग समझ में आ गया कि क्लिम्बर कटिंग वाला हम जनरली इवन एजेड में कर लेते हैं, अन इवन एजेड के केस में हम लोग इम्प्रूवमेंट फिलिंग करते हैं। तो क्लिम्बर कटिंग और थिनिंग जो है वो हम इवन एजेड में कर रहे हैं। अब थोड़ा हम एक स्लाइड देख लेते हैं जिससे और चीजें क्लियर हो जाए आपकी। एक तरफ है इवन एजेड, दूसरी तरफ है अन इवन। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट फिलिंग, इम्प्रूव मैं लिख देता हूँ खत्म। इसमें क्या करेंगे हम? एक तो करेंगे क्लीनिंग। अब क्लीनिंग में क्या होता है कि जो अनवांटेड चीजें हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं, लेकिन अगर उस एरिया में टिक खड़ा हुआ है तो हम टिक के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। अदर स्पीसीज है, बोल्फ ट्री है, डेड डाइंग है, उन्हें निकालेंगे। और जब मुद्दा थिनिंग का आएगा, थिन मतलब पतला करना, तो थिनिंग में क्या है कि थिनिंग से पहले हम अनवांटेड स्पीसीज वगैरह तो सब कुछ निकाल चुके हैं। तो थिनिंग ऑपरेशन में जब हम काट छाट का काम करेंगे तो उसी में जो टिक की प्लांटेशन है तो हम टिक के बीच में ही करेंगे, क्योंकि अदर स्पीसीज तो मेजोरिटी यहीं पर निकल चुकी है। अगर कोई थोड़ा बहुत बच गया तो वो थिनिंग में भी काट देते हैं। तो ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। अगर यहाँ अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो एक बार पूछ जरूर लें। इम्प्रूवमेंट फिलिंग हो गया। अब एक टर्म और आता है इसमें, कल्चर ऑपरेशन लास्ट है लगभग, इसके बाद अपना थिनिंग ऑपरेशन आ जाएंगे। कल्चर ऑपरेशन हुआ क्या है? इन्होंने कभी बीच में पूछ लिया 2010 में कि टेंडिंग ऑपरेशन और कल्चर ऑपरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, या कल्चर ऑपरेशन क्या होते हैं? अब इसी पे लड़ाई झगड़ा करो कोई फायदा नहीं है। स्टेट वाले भी मजे लेने के लिए पूछ लेते हैं बीच बीच में कि भाई ये डिस्टिंग्विश करो, इनके बीच में डिफरेंशिएट कर दो। फिर दिमाग का दही करो कि कल्चर ऑपरेशन और टेंडिंग ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, कल्चर का मतलब क्या होता है? आपको, आपने अगर टिश्यू कल्चर देखा होगा तो आप कल्चर मीडियम जानते होंगे। आप एक कोई बालक है जो किसी मीडियम में ग्रोथ कर रहा है, किसी कल्चर सोसाइटी में ग्रोथ कर रहा है। कल्चर ऑपरेशन का मतलब वो ऑपरेशन जो उसे इनिशियल ग्रोथ में हेल्प करे और उसका प्रॉपर डेवलपमेंट में हो, जिससे जो शेप साइज आप या जो लेना बनाना चाहते हो वो बन सके। और ऑलमोस्ट टेंडिंग ऑपरेशन का भी वही सेंस जाता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस टेंडिंग में क्या है, अगर पेड़ों के केस में देख लिया जाए तो जो इनिशियल ऑपरेशन है ये दुनिया भर के, ये कल्चर में आ जाते हैं। आप यहाँ जो प्रूनिंग थिनिंग वगैरह कर रहे, ये कल्चर का काम नहीं है। तो ये बस थोड़ा वेरिएशन है, लगभग 70% चीज़ें दोनों में कॉमन होती हैं।
तो यहाँ एक डिफरेंस भी देख रखा है। ये तो कल्चर से समझा रखा है आपको कि कल्चर ऑपरेशन में से, जैसे कि टिश्यू कल्चर में आप कल्चर मीडियम है जो इसे इनिशियल ग्रोथ के लिए जो बेटर हो, वो ऑपरेशन जो किसी पेड़ की ग्रोथ परफॉर्मेंस के लिए सबसे बेस्ट होते हैं वो ऑपरेशन क्या है, कल्चर ऑपरेशन है, जो ग्रोथ के लिए बेस्ट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पेड़ है जो है उसके बाद में कटाई छटाई भी करने लगे आप, तो इनिशियल फेज वाले जो है वो कल्चर है। इनका डिफरेंस भी ऑलरेडी दे दिया गया है, पढ़ लो, इतना बड़ा भारी चीज है नहीं इसमें। अब अपना लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं इस पार्ट के। जैसे एक्सप्लेन ब्रीफली इन टेंडिंग ऑपरेशन कैरिड आउट इन फॉरेस्ट्री। टेंडिंग ऑपरेशन क्या करोगे इसकी डेफिनेशन लिख दो और कौन कौन से ऑपरेशन है उन्हें दो दो तीन तीन लाइन में लिख दो, काम हो जाते हैं। कौन कौन से है अपने, यही है वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, लिम्बर कटिंग, प्रूनिंग, गार्डलिंग ऑफ अनवांटेड ग्रोथ। इसे और देख लेते हैं करते क्या है। मान लो अपने कुछ पेड़ खड़े हुए हैं, इन पेड़ों के बीच में कोई एक ऐसी स्पीसीज का पेड़ खड़ा हुआ है कि अगर हम इसे काट देंगे तो ये हमारे दूसरे पेड़ों को डैमेज पहुंचा सकता है। और अपना एक पेड़ है, ऐसा भी नहीं है कि इस पेड़ को यहाँ से काट के ट्रक में भर के 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर में लेके जाऊंगा और मार्केट में बेच दूं, वायबल सोर्स नहीं है। 5,000 का पेड़ होगा, 25,000 का पेट्रोल लग जाएगा, तो क्या कर देते हैं, कटाई भी नहीं करेंगे। इस पेड़ का जो बार्क है वो चारों साइड से बार्क रिमूव कर देंगे, इसे बोलेंगे गार्डलिंग। अब गार्डलिंग में क्या होगा, ऊपर से सपोज मैं यहाँ पर इसका ये तो है हार्डवुड वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है इसकी बार्क वाला पार्ट। अब उसमें हो क्या रहा होगा, अंदर की साइड से यहां से जा रहा होगा वाटर ऊपर की तरफ और यहाँ बाहर की साइड से फ्लोएम होगा, वो फूड लेके आ रहा होगा। आपने यहाँ गार्डलिंग कर दी तो इसकी नीचे से ऊपर की तरफ वाटर सप्लाई बंद हो गई, तो दो चार दिन में ऊपर का जो है वो विल्टिंग होगा और पेड़ ऊपर से सूखना शुरू कर देगा। ऊपर से फूड सप्लाई रुक गई तो जो पेड़ है, जो जड़ें हैं वो भी सूखना शुरू कर देंगी, कुछ दिनों में ये दोनों आत्महत्या कर लेंगे। तो इस टाइप से अपना पेड़ जो है वो सूख जाएगा, तो खड़ा खड़ा सुखा दिया हमने। इस टाइप के जो सूखे ट्री है, टर्म बता देता हूं, वैसे कोई मतलब नहीं है इसका, स्नैग ट्री, जो सूखे पेड़ खड़े होते हैं उन्हें स्नैग बोलते हैं, स्नैग ट्री, स्नैक नहीं है, स्नैग है। तो ये ऑपरेशन है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेंडिंग ऑपरेशन यूज इन फॉरेस्ट्री लिख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंडिंग, टेंडिंग से आप क्या समझ सकते हो, डिटेल वेरियस टेंडिंग ऑपरेशन। देखो भले ही स्टेट की है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इन्हें लिखोगे तो थोड़ा आदत हो जाती है। जब आप छोटी छोटी चीजें लिख लो तो फिर टिपिकल चीजें हैंडल करना आसान हो जाता है। यहाँ पर आके हम लोगों ने मेजोरिटी जो अपने टेंडिंग ऑपरेशन है उन्हें तो कर लिया, लेकिन एक अपना मेजर टेंडिंग ऑपरेशन है थिनिंग ऑपरेशन, वो बचा है। थिनिंग का मुद्दा आएगा। थिनिंग के केस में यानी कि कटाई छटाई, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि आपके पास जो एरिया है जहां आपने प्लांटेशन किया था, इसमें जो दूसरी स्पीसीज है, कोई दूसरी स्पीसीज थी, उसको काट छाट की। लेकिन अगर आपने जो एरिया है जिसमें अगर आपने टीक की ही प्लांटेशन की है, तो हम जनरली टीक के प्लांटेशन के साथ अभी काट छाट नहीं की, टीक को छोड़ के अदर स्पीसीज हटा दी, या कोई मरा झरा पेड़ था डेड डाइंग उसे निकाला। अब थिनिंग में हम क्या करेंगे, टीक की वेजिटेशन को ही रिमूव करेंगे। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान रखो, थिन का मतलब पतला, थिनिंग का मतलब पतला करना। तो उस एरिया में जहां 20 पेड़ थे उनको 5 हटा दिए, तो पतला कर रहे हैं। नेक्स्ट मुद्दा, थिनिंग हम किस में करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट फिलिंग, तो जो अनइवन एजेड वेजिटेशन है उसमें तो हम करेंगे इम्प्रूवमेंट फिलिंग। थिनिंग का काम करेंगे हम इवन एजेड वेजिटेशन में। ऐसा क्यों है, अभी आप एक एक करके जब टाइप पढ़ेंगे आपको खुद आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये ऑपरेशन हम नेचुरल फॉरेस्ट या अनइवन एजेड वेजिटेशन में नहीं कर सकते। तो इसमें करने वाले क्या है, पहले तो ये दुनिया भर के क्वेश्चन है इन्हें देख लो। क्वेश्चन क्या है आपसे पूछेंगे, थिनिंग क्या है मतलब डेफिनेशन, उसके टाइप पूछ लेंगे आपसे, कोई पर्टिकुलर थिनिंग उठा लेंगे, जैसे कि क्राउन थिनिंग उठा लिया, एलाइट थिनिंग उठा लिया, ऐसा कुछ पूछ लेंगे कि भाई ये क्या है, थिनिंग के रोल क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। थिनिंग के मेथड वाला अपना मुद्दा हो ही गया।
ज्यादा से ज्यादा आपसे एक दो एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि भाई मैकेनिकल थिनिंग के दो एग्जाम्पल लिख दीजिए, मैकेनिकल थिनिंग किस स्पीसीज में करते हैं। ये आपसे पूछ लिया कि टीक या टेक्टोना ग्रैंडिस में कौन सी थिनिंग की जाती है, आप थिनिंग टेक्टोना ग्रैंडिस को कैसे मैनेज करोगे। तो अगर टीक को मैनेज की बात कर रहे हैं तो आप समझ लो कि यहाँ थिनिंग की बात चल रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अब एक एक करके पहले ये समझते हैं कि आखिर हमें इवन एजेड प्लांटेशन जो है उनमें थिनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो जनरली हमें पेड़ की जो जरूरत है, अगर मैच्योर फेज में हम बोलें तो हमें पेड़ों की जरूरत होती है 5 मीटर 5 मीटर पर लगाने की या 10 बाई 10 मीटर पर लगाने की। जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग में ही अगर पेड़ों को 5 बाई 5 मीटर या 10 बाई 10 मीटर की स्पेसिंग पर लगा दिया, अगर हम आज यही पोजीशन पर लगा दें जिससे कि हमें बीच में कोई काट छाट की जरूरत ना पड़े और 20 साल बाद मुझे यहीं पर पेड़ खड़े मिल जाए। इतने डिस्टेंस पर क्यों लगाया? क्योंकि पेड़ों की क्राउन के लिए एक पर्टिकुलर साइज की जरूरत पड़ती है, तो ये आपस में इनके क्राउन ना टकराएं, ये आराम से वेल ग्रोथ कर लें। लेकिन अगर हम लोग प्लांटेशन को इनिशियल फेज में ही इतनी डिस्टेंस से प्लांटेड कर दें तो समस्या कहाँ आती है? पहली समस्या है बीच में बहुत सारी जमीन खाली है, हवा चलेगी तो इस टाइप से धूल उड़ा जाएगी, पानी बरसेगा तो इस टाइप से इरोजन हो जाएगा, या फिर जो अपने पेड़ हैं वो भी सिंगल सिंगल खड़े हैं तो इकट्ठे ग्रुप में नहीं है तो हवा चलेगी तो वहाँ पर भी डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा जब इनको साइड से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है तो ये क्या करेंगे, हाइट में ग्रोथ करने की जरूरत नहीं समझते हैं, आराम से ग्रो कर रहे हैं। अगर इनकी कोई साइड में एक ब्रांच ग्रोथ कर गई, जैसे आपने बकेट में पानी भर लिया, इस हाथ में अगर बकेट में पानी भर लिया तो आपको उसे मेंटेन करने के लिए आपको अपोजिट साइड में थोड़ा झुकना पड़ता है, तो आप या तो अपोजिट साइड में झुकिए, तो इस केस में अगर ये ब्रांच बनी है तो ये मेन स्टेम है वो थोड़ा इधर को झुक जाएगा, या फिर अपोजिट हाथ में भी आप एक बाल्टी पानी भर लीजिए जिससे दोनों का वेट बराबर हो जाए तो आप स्ट्रेट रह पाएंगे। तो प्लांट को क्या करना पड़ेगा, या तो इसका मेन स्टेम इधर झुकेगा, इसका मतलब आपको आप सीधा स्टेम नहीं मिलने वाला, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांच आएगी ये इधर झुकेगा, इधर ब्रांच आएगी ये इधर झुकेगा, तो मेन स्टेम आपको टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, मतलब कॉमर्शियल वैल्यू का नहीं है। दूसरा ये कर सकता है कि इस ब्रांच के साथ वो अपोजिट में कोई ब्रांच बना दे तो लोड मेंटेन हो जाएगा। इससे घाटा क्या है कि पेड़ की जो टोटल एनर्जी है वो तो ये ब्रांचों के डेवलपमेंट में ही बर्बाद कर देगी, तो प्लांट की हाइट ज्यादा होगी नहीं। तो एक तो रेट ऑफ टैपरिंग, क्योंकि ज्यादा हाइट नहीं होगी मोटाई खूब हो जाएगी, तो जो रेट ऑफ टैपरिंग है वो बहुत ज्यादा मिल जाएगी, ब्रांचेस की वजह से कुछ कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस निकलेगा नहीं, मतलब पैसा बर्बाद, आपको प्रॉफिट ना मिलने वाला। तो इस केस में या इस समस्या का समाधान क्या है, हम पेड़ भले ही 10 बाई 10 पे करेंगे लेकिन एकदम नहीं करेंगे, हम सबसे पहले उन्हें 1 मीटर बाय 1 मीटर पे प्लांटेशन कर देंगे। प्लांटेशन कैसे करेंगे, 1 मीटर बाय 1 मीटर पे, और जैसे जैसे इनकी हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी ये कंपटीशन में आते जाएंगे, बीच बीच में पेड़ हम निकालते जाएंगे। हम लोग क्लाइमेटिक फैक्टर्स में नेचुरल प्रूनिंग पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लाइट को एज ए टूल यूज करते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ हम ये लोग यूज करते हैं। जैसे जैसे ये कॉम्पिटिशन में आएंगे, क्योंकि ये साइड में स्पेस नहीं मिलता है तो ब्रांचेज ज़्यादा बढ़ नहीं पाती हैं, तो जैसे जैसे इनके बीच में एक लेवल से ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है हम इनकी ब्रांचेज काटते जाते हैं, बीच में स्पेसिंग करते जाएंगे। जैसे एक करी जब कंपटीशन बढ़ गया हमने कुछ खोल दिया, फिर ये तेजी से बढ़ेंगे फिर चलता रहा, इस टाइप से धीरे धीरे करके हम जो इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो 5-5 मीटर या 10-10 मीटर जो भी हम चाहते थे वहां अचीव कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि टेंडिंग ऑपरेशन होता क्या है। अब हम लोग इसके डिटेल में समझें, इससे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। डेफिनेशन जो अक्सर हमें ज़रूरत पड़ जाती है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है टेंडिंग ऑपरेशन के मेथड लिखो, तो लिखने से पहले आपको डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। टाइप पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, कुछ भी पूछे आपको डेफिनेशन लिखनी ही पड़ती है ऑलमोस्ट 80-90% क्वेश्चन में। तो यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फिलिंग मेड, क्या करते हैं हम पेड़ों में कटाई कर रहे हैं, किसमें, इमैच्योर स्टैंड में,
इमैच्योर स्टैंड, मैच्योर थोड़ी है, मैच्योर पे तो हम पूरी काटी लेंगे, फिलिंग कर रहे हैं इमैच्योर स्टैंड में। पर्पज क्या है? टू इम्प्रूव द ग्रोथ एंड फॉर्म ऑफ ट्री दैट रिमेन, जो बचे रह जाएंगे उनकी ग्रोथ, क्योंकि ज्यादा जैसी थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया हमने लाइट थिनिंग के लिए, वो तेजी से ग्रोथ करें, तो उनकी ग्रोथ और उनका फॉर्म को मेंटेन करने के लिए जो बचे रहेंगे, विदाउट परमानेंटली ब्रेकिंग द कैनोपी। कैनोपी में परमानेंटली कोई ब्रेक नहीं करेंगे। ऐसा ब्रेक हो सकता है या तो कैनोपी बिल्कुल अभी भी बची हुई है, या कैनोपी में ऐसा ब्रेक किया आपने, कोई पेड़ ऐसा रिमूव कर दिया जिससे कैनोपी के बीच में जो ऊपर से पूरा पंडाल सी लग रखी है कैनोपी, उसमें ऐसा गैप हो सकता है कि जो अगले 2-4 महीने में या 1 साल में भर जाएगा। परमानेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेड़ यहाँ है, दूसरा 20 मीटर पे है, तो उनके बीच का कैनोपी का भी गैप जो है वो भर ही नहीं सकता। परमानेंट नहीं होगा, 1-2 मीटर का गैप होगा जो अगले 6 महीने 1 साल 2 साल में बढ़ जाएगा। तो परमानेंटली ब्रेकिंग द विदाउट परमानेंटली ब्रेकिंग द कैनोपी, ये है अपना टेंडिंग ऑपरेशन की, सॉरी थिनिंग ऑपरेशन की डेफिनेशन। हम किस में करेंगे? प्योर और इवन एजेड में, प्योर और इवन एजेड में, क्योंकि एक ही चीज होना चाहिए तभी हम इस टाइप के ऑपरेशन कर पाएंगे। मिक्स है तो वहां व्यवस्था ही नहीं बनेगी, वहां पर हम इम्प्रूवमेंट फिलिंग करेंगे। और हम क्यों करना चाहते हैं, अगर आपसे पूछ लिया कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ भी पूछ लें, तो सीधी सी बात है, एक तो हम टीक के पेड़ों में भी बहुत सारे मर गए होंगे, कुछ सारे बीमार होंगे, उन सबको निकाल देंगे जिससे वहां पर हाइजीनिक इम्प्रूव हो जाए। हालांकि ये बहुत सारे काम हम क्लीनिंग में भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कर लेते हैं। दूसरा, जो हम कंपोजिशन चाहते हैं वो मिल जाए। यहाँ पर सपोज कोई ऐसा पेड़ है जो है तो टीक का, ठीक भी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उसमें ब्रांचिंग ज्यादा आ रही है, तो हम उसे हटा देंगे जिससे हम जिस कंपोजिशन के पेड़ चाहते थे वो बचे रहे। तो डिजायर कंपोजिशन गेन करना, कुछ रिमूव कर दोगे तो बचेंगे, उनकी ग्रोथ परफॉर्म होगी, प्रमोट ग्रोथ। अगर फॉर्क्ड और इन्फीरियर क्वालिटी के हैं तो उन्हें हटा देंगे। और ये जो थिनिंग ऑपरेशन के थ्रू बीच बीच में जो कटाई छटाई निकलती रहती, क्योंकि ऐसा नहीं कि थिनिंग ऑपरेशन हम एक बार में ही कर देते हैं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे टीक के केस में ले लें, तो आज अगर प्लांटेशन करी तो हम 4th ईयर करेंगे, फिर उसके अगले 4th ईयर बाद करेंगे, मतलब 8th ईयर में करेंगे, फिर 16वीं जो है 16th ईयर उसमें कटाई छटाई करेंगे, तो बीच बीच में हमें छोटा स्मॉल टिम्बर भी मिलता रहता है जो कटाई छटाई का माल निकल रहा है। तो इस अगर हमें लोकल में मार्केट है तो हम इसे बेच करके कुछ इंटरमीडिएटरी इनकम निकाल लेते हैं, इसे आप बोलते हैं इंटरमीडिएट ईल्ड। वो इंटरमीडिएट ईल्ड निकल आती है जिससे कम से कम ये मजदूर वगैरह जो लगे हैं उनकी सैलरी निकलती रहती है कुछ हद तक। और अगर वेजिटेशन डेंस है, ऊपर से नीचे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो नीचे जो ऑर्गेनिक मैटर गिर रहा है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, नीचे रीजनरेशन जो होना चाहती है वो रीजनरेशन नहीं हो पा रही है, जैसे कॉनिफर्स के केस में हमने देखा, तो यहाँ पर जो ह्यूमस डिकम्पोजिशन है उसे भी हम इम्प्रूव कर लेते हैं, रीजनरेशन से रिलेटेड इशू है उन्हें भी कुछ हद तक यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ऊपर देख लो आप, कुछ नीचे सॉइल से जुड़ी हुई चीज़ें समझ लो, अपना काम हो जाता है। तो हम लोग अब देखेंगे थिनिंग के टाइप। थिनिंग मेनली इवन एजेड में की जाती है, अन इवन एजेड के केस में हम क्या करेंगे, क्लिम्बर, वो सॉरी इम्प्रूवमेंट फिलिंग, इसे भी पढ़ेंगे। मेनली की जाती है अपने में, मेनली क्या की ही इसी में जाती है, इसमें तो की ही नहीं जाती है थिनिंग ऑपरेशन, उनका फिर अपना चीजें चलती हैं, अन इवन एजेड में अपना काम है। ये थिनिंग कितने टाइप की है, तो भाई ये है 6 टाइप की, 6 पूरा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको समझना है ये 6 कैसे काम करते हैं। समझने के लिए, आसान बनाने के लिए, पहले 3 का एक ग्रुप बना दिया है, दूसरे 3 का अलग ग्रुप बना दिया है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ये सब एक ही साथ है, अलग अलग नहीं है। जैसे पहली है मैकेनिकल थिनिंग। मैकेनिकल थिनिंग का मतलब है आपके पास एक कोई ऐसी वेजिटेशन खड़ी थी और आपको ग्रोथ के लिए थोड़ी कटाई छटाई की जरूरत थी। आपने क्या किया, सिक्का उछाला, बोला बेटा क्या काटना है, तो एक ने बोल दिया कि बोला एक काम करते हैं, ये लाइन उड़ा देते हैं,
फ्री लाइन छोड़ के ये लाइन उड़ा देते हैं, फ्री छोड़ के ये उड़ा देते हैं, मतलब कोई फिक्स रूल नहीं है, पूरा थंब रूल है, जिसकी जो मन मर्जी हो गई उस हिसाब से उड़ा दिया। कोई बोल रहा है नहीं एक काम करते हैं दो पेड़ की लाइन छोड़ के फिर उड़ाएंगे, दो फिर लाइन छोड़ के फिर उड़ाएंगे। कोई बोलता है कि नहीं मुझे ऐसी इच्छा नहीं हो रही है उड़ाने की, हम तो ऐसे उड़ाएंगे। यानी कि यहाँ टोटल कुछ वैसा नहीं है, आप थंब रूल के पूरा आर्गुमेंट्री टाइप का है, थिंग इन विच वी कट द ट्री यूजिंग सम थंब रूल। आपकी जैसी मर्जी हो उस हिसाब से काट लो, जो भी आपने थंब रूल बना लिया कि हम एक छोड़ के एक लाइन उड़ा रहे हैं या एक लाइन छोड़ के दो लाइन उड़ा रहे हैं, जो भी तुम्हारी मर्जी हो। या फिर हम कभी कभी यहाँ एक स्टिक यूज कर लेते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं स्टिक थिनिंग। स्टिक थिनिंग का मतलब क्या, हमने समझ में नहीं आ रहा था, 5 फुट का डंडा ले लिया, बोला हम ये पेड़ है, इस पेड़ के चारों तरफ हमने 5 फुट का डंडा रख के घुमा दिया, ऐसे चारों तरफ से घूम गए, जिस जिस से वो टकरा गया बोला इस पेड़ को उड़ा दो खत्म का, फिर हम जाके कहीं खड़े हो जाएंगे और फिर घुमाएंगे, जो जो टकरा गया बोला उड़ा दो इसे, तो इस टाइप का हो गया। तो ये स्टिक तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, मैकेनिकल थिनिंग है, दिमाग का दही नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट है, मजाक मजाक में पेड़ उड़ा देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप से कर सकते हैं, जैसे रो उड़ा दिए तो इसके टाइप हो जाता है रो थिनिंग, या इन्होंने इस टाइप से उड़ा दिया कि रो ना करके अल्टरनेट पेड़ उड़ाया है, तो इनने कोई पर्टिकुलर स्पेस लेके चले हैं, तो ये है स्पेस थिनिंग। कौन सा, वो डंडा वाला स्पेस थिनिंग। तो ऐसे इसके दो टाइप हो सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे मैकेनिकल थिनिंग के फायदे क्या है। फायदे ये है कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, फॉरेस्ट गार्ड है, नीचे के मजदूर है, उन्हें दिमाग में कुछ रखना नहीं होता, बस डंडा लेके गया बोला जो डंडे में टकरा है काट दो, काटने में बड़ा मजा आता है ना। तो एडवांटेज क्या है, सिंपलेस्ट वे है, जिसकी इच्छा हो वो काट दो खत्म काम, क्रिकेट झंझट ही नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड का, भाई यहाँ आप यही नहीं देख रहे हो, आपने इतनी मेहनत की तब तो ये वेजिटेशन ग्रो करी, क्लेम्बर कटिंग पूरा दिमाग का दही करते रहे हो पिछले 10 साल से 20 साल से, आप ऐसे बेवकूफों वाले काम कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एरिया है उसकी उत्पादन क्षमता हर जगह एक सी नहीं होगी। यहाँ पर अच्छी उत्पादन क्षमता थी, हो सकता है यहाँ के पेड़ अच्छे ग्रोथ कर रहे हो, आपने यहीं के पेड़ उड़ा दिए, और यहाँ के जो घटिया थे यहाँ के पेड़ छूट गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो फाइनल क्रॉप है वो आपको घटिया मिलने वाली है। तो इसके साथ ये है कि ये टोटल एक टाइप से बिल्कुल ऐसी चलती है, आर्बिट्रेरी चलती है। तो यहाँ पर एक तो समस्या ये है, दूसरा आपने बोला हम यहाँ डंडा लेके खड़े हो गए और हम काट देंगे, या लाइन टू लाइन उड़ा दी, पता पड़ा अच्छे अच्छे पेड़ तो आप उड़ा गए, बेकार बेकार पेड़ छूट गए। तो यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ गुड ट्री एंड लिविंग ऑफ पुअर वंस, या एरिया प्रोडक्टिविटी इज नॉट यूनिफॉर्म, तो आपने रिमूव ट्री ग्रोविंग इन बेटर प्लेस और लाइकली टू प्रोड्यूस लेस फाइनल यील्ड, अच्छे एरिया के पेड़ उड़ा दिए घटिया के छोड़ दिए। तो ये तो डिसएडवांटेज हुए इसके साथ। लेकिन फायदा क्या है, सबसे सिंपल है, मजदूरों को बस बोल दो, वो तो बोलते हैं कहाँ है पेड़, काटते हैं, वो चलता है इनका टाइप रो थिनिंग और स्पेस थिनिंग। एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक तो किया जाता है देवदार में और एक किया जाता है टीक में। टीक का एक फेमस है, आया भी क्वेश्चन है तो हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे टीक में हमें फाइनल चाहिए स्पेसिंग है 4 मीटर बाय 4 मीटर का, यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की जो स्पेसिंग है ये हमें 4 मीटर बाय 4 मीटर की रिक्वायर है। अब ये कैसे गिन करेंगे हम लोग, सपोज पहले इनिशियल फेज में हम लोगों ने जो प्लांटेशन की वो की 2 मीटर बाय 2 मीटर की स्पेसिंग पे। हम लोग जब प्लांटेशन करते हैं, सपोज ये फर्स्ट ईयर है पहली साल, इसकी पहली थिनिंग करते हैं हम, फर्स्ट मैकेनिकल थिनिंग करते हैं हम लोग इसकी 4th ईयर पे। जब 4 साल के पेड़ हो जाए तब करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डायगोनल काट देंगे, इस टाइप से डायगोनली काट देंगे। अब इससे होगा क्या, एक पेड़ जो है यहाँ का गया तो अब इनके बीच का जो स्क्वायर बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो जो स्पेसिंग इनके बीच में थी 2 मीटर बाय 2 मीटर, अब वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस बढ़ने वाली है, तो ये हो जाती है 2.8 मीटर।
तो इनके बीच की जो डिस्टेंस अब है वो है 2.8 मीटर, यानी कि 2 मीटर से 2.8 मीटर की स्पेसिंग हो गई। स्पेसिंग बढ़ गई, प्लांट थोड़ा और बेटर ग्रोथ करेंगे, हाइट में तेजी से ग्रोथ होगी, लेकिन साइड में एक लिमिट में ग्रोथ होगी, लेकिन करेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड मैकेनिकल थिनिंग है वो उसके अगले 4-5 ईयर बाद करेंगे। यूजुअली हम लोग 8th ईयर या 9th ईयर में करते हैं आफ्टर प्लांटेशन। इसमें क्या करेंगे, हम अल्टरनेट रो को बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, अब इस प्लांट के बीच की स्पेसिंग कितनी है, 2x2 मतलब 4 मीटर x4 मीटर की हमने स्पेसिंग यहां गेन कर ली। नेक्स्ट या थर्ड मैकेनिकल थिनिंग हम कर देते हैं 16th ईयर पर। उसमें इनकी स्पेसिंग पहुंच जाती है लगभग 6 मीटर के आसपास, 6.87 के आसपास वो थर्ड में पहुंच जाती है। तो इस टाइप से हम टीक में मैकेनिकल थिनिंग करते हैं। टीक की प्लांटेशन किससे करेंगे, हम स्टंप से। तो उम्मीद है ये जो मैकेनिकल थिनिंग है आपको ये समझ में आ गई होगी। ऐसे ही केस हम देवदार के साथ करते हैं। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एक्सप्लेन थिनिंग ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टीक प्लांटेशन। IFS में आया था, फिर स्टेट वालों ने कॉपी पेस्ट दे मारा। उम्मीद है आप आराम से कर सकते हो। अब एक्सप्लेन थिनिंग ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टीक प्लांटेशन, क्वेश्चन कैसे लिखोगे, सबसे पहले थिनिंग जो है क्या होता है उसकी डेफिनेशन चिपका दोगे, फिर आप लिखोगे कि भाई टीक में हम मैकेनिकल थिनिंग यूज करते हैं, लंबा चौड़ा सा फिगर बना देंगे। वैसे नोट्स में एक्सप्लेनेशन दे रखा, वो उस टाइप का एक्सप्लेनेशन थोड़ा चिपका करके अपना काम चल जाता है। डिफाइन थिनिंग ऑपरेशन विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ थिनिंग, डेफिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिख दिया। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ थिनिंग अंडरटेकन रेगुलर टीक प्लांटेशन, अब बोला टीक के अंदर हम कौन सी काइंड कितने टाइप की थिनिंग करते हैं। वैसे अदर तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक तो आप 20 मार्क का है तो एक तो आप लिख दोगे यहाँ मैकेनिकल थिनिंग। कुछ केस में हम लोग एलाइट थिनिंग भी कर लेते हैं, तो जैसे ही आगे एलाइट थिनिंग आ जाएगी उसे भी चिपका सकते हो। कोई टाटा कंपनी का रूल तो है नहीं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। मैकेनिकल थिनिंग तो सीधा सीधा एग्जाम्पल है, एलाइट थिनिंग आएगा और अभी आएगा क्राउन थिनिंग, उन्हें भी आप चिपका सकते हो यहाँ पर। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिख दोगे, अपना काम हो जाएगा। अगर मैकेनिकल लिख के आप आगे बढ़ जाओगे, जैसे 20 मार्क का क्वेश्चन या 15 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब बड़ा क्वेश्चन है, और अगर आप केवल मैकेनिकल लिख दोगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि आप लिमिट में रहे, दूसरे लोग भी उतने ही लिख रहे होंगे। इस केस में आप बीच में थोड़ा इलाइट लिख दो या क्राउन के 2-2, 4-4 लाइनें लिख दो, आप उनसे थोड़ा एज ले लेते हो आराम से। अब नेक्स्ट अपने जो दो थिनिंग के मेथड हैं उन्हें देखते हैं। मैकेनिकल में क्या कर रहे थे, ये अपनी वेजिटेशन है, अपने मन मर्जी से सीधे उड़ा रहे थे। इसकी समस्याएं आपको समझ में आ गए। तो कुछ लोग बोले भाई देखो ऐसा है, इससे तो हमें नहीं जाना, अपनी बनेगी नहीं। उन्होंने बोला देखो अपनी जो वेजिटेशन है, हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हमें थिनिंग, हम हाइजीनिक ये सारी चीजों के लिए कर रहे हैं, इतनी बकैती काट रहे हैं, तो हम ऊपर के ना काटें तो क्या हो जाएगा, हम लोग नीचे नीचे के काट लेते हैं, जो नीचे मतलब अनवांटेड जो वेजिटेशन है, दूसरे पेड़ खड़ रखे हैं, दूसरी वेजिटेशन है, इसी के कुछ छोटे पेड़ रह गए, वीड वगैरह हो गई, उन्हें काट लेते हैं। अब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर हम वीडिंग क्लीनिंग की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल प्लांटेशन में जो वीडिंग क्लीनिंग का काम किया जाता है वो स्टार्टिंग के 3-4 साल ही किया जाता है, इसके बाद वीडिंग क्लीनिंग ऑपरेशन नहीं किए जाते हैं। फिर जो भी नीचे की वीड वगैरह निकालने का काम है वो सब कुछ हम यहाँ थिनिंग ऑपरेशन के साथ में ही करते रहते हैं, इसलिए हम यहाँ वीडिंग क्लीनिंग के डिस्कस कर रहे हैं। कुछ छोटी छोटी वेजिटेशन है, अदर स्पीसीज भी बाई चांस ग्रो कर गई तो वो भी उग रही है। तो उन्होंने बोला देखो तुम उसमें मेन पेड़ तो काट देते हो, लेकिन इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत वीड क्लीनिंग है, उस पर ध्यान देते नहीं हो आप, तो एक काम कर लेते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं, नीचे इनको काट देते हैं। इनको बोला लो थिनिंग। दूसरे बोल रहे हैं कि एक काम करो ना, नीचे के हमें कोई दिक्कत ही नहीं दे रहा है जब हमारी वेजिटेशन में, और हमारे मेन इशू तो यहाँ टिम्बर जो लगा है वही है, हम थिनिंग का काम इस टाइप से न करके हम केवल ऊपर ऊपर करेंगे। तो इन्हें बोलते हैं हाई थिनिंग, यानी कि नाम क्या है इनके, हाई थिनिंग या लो थिनिंग। ऊपर का जो थिनिंग है इसे क्या बोलेंगे, ग्राउंड थिनिंग, थिनिंग फ्रॉम अबव, ऊपर का थिनिंग फ्रॉम अबव या हाई थिनिंग या
फ्रेंच थिनी। नीचे वाला है ऑर्डिनरी आदमी, नीचे ही दबा रहता है। ऑर्डिनरी थिनिंग, जर्मन थिनिंग, लो थिनिंग या थिनिंग फ्रॉम बिलो। देखो ऑर्डिनरी आदमी नीचे दबा है, ऊपर है, तो ऑर्डिनरी थिनिंग मतलब लो थिनिंग या ऑर्डिनरी थिनिंग। अब कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है, जर्मन थिनिंग में और फ्रेंच थिनिंग में, बाकी तो चीजें हमारी हो जाती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में जीतने वालों की तरफ से कौन से थे, जर्मनी। जर्मनी तो हारने वालों में था, मतलब नीचे दबा दिया गया था जर्मनी, तो जो नीचे दबा है वो है जर्मन थिनिंग। और जीतने वालों में कौन है, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये वाला ग्रुप था, तो ये ऊपर वाले थे फ्रेंच थिनिंग। फ्रेंच ऊपर वाले हैं, जर्मन नीचे के हैं। तो आपको समझ में आया, नीचे के पेड़ों की कटाई छटाई का काम करेंगे हम ऑर्डिनरी थिनिंग के अंदर, ऊपर वालों का करेंगे हम ग्राउंड थिनिंग के अंदर। अब सबसे पहले ऑर्डिनरी आदमियों को समझ लेते हैं। ऑर्डिनरी आम आदमी तो आपको देखने समझ में आएगा, देखो जैसे कास्टेज्म का अपने यहाँ इशू होता है, तो कास्टेज्म जो है वो लोअर क्लास में ही बहुत ज्यादा इसका थोड़ा वो रहता है। एक लेवल के बाद इकोनॉमिकल लेवल जो है वो एक ऊपर पहुंच जाता है, फिर उनमें कास्टिंग जैसे कोई मुद्दे होते नहीं है, वैसे ही है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि जो ग्रुपिज्म है वो सबसे ज्यादा ऑर्डिनरी लोगों के बीच में ही पड़ते हैं, क्राउन के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है। बस उसमें ये हो सकता है एक बहुत ज्यादा अमीर है, ये थोड़े कम अमीर है, ऐसे दो ग्रुप हो सकते हैं, या फिर एक है जो बिजनेसमैन है और दूसरे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इस टाइप के दो ग्रुप हो जाएंगे इसमें क्राउन में, लेकिन ऑर्डिनरी में बहुत ज्यादा ग्रुप होते हैं। तो पहला समझते हैं ऑर्डिनरी थिनिंग, और क्या नाम बोलते हैं, जर्मन थिनिंग फ्रॉम बिलो। इसमें क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ इन्फीरियर वेजिटेशन, डेड डाइंग, बकाए की जो दुनिया भर की चीजें हैं वो हम निकालेंगे नीचे की वेजिटेशन के। हम ऊपर के जो अच्छे अच्छे पेड़ हैं, जो पेड़ ऊपर इतने तक पहुंच गए, उनसे कुछ नहीं बोलेंगे, नीचे का रिमूव कर देंगे। रिमूवल ऑफ इन्फीरियर इंडिविजुअल स्टार्टिंग फ्रॉम द सप्रेस क्लास एंड देन टेकिंग टू डोमिनेटेड क्लास एंड अल्टीमेटली सम डोमिनेंट क्लास इन अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ सिलेक्टिव थिनिंग रेगुलर क्रॉप। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरी नीचे की वेजिटेशन। आपको पता है सप्रेस का मतलब क्या है, वो वेजिटेशन जो इसकी हाफ हाइट तक है, जो टॉप के है उनकी हाफ हाइट तक पहुंचती है। तो हम मेनली ये वाला पार्ट क्लीन कर देते हैं, ऊपर भी जाएंगे क्योंकि इनके कुछ टाइप हैं, तो ऊपर भी थोड़ा थोड़ा जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ नीचे वाले पार्ट में ही रहते हैं। आपको ये समझ में आ गया। अब मुद्दा है इसके एडवांटेज क्या है, ये जो हम लोग ऑर्डिनरी थिनिंग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, या इसके फायदे क्या हैं। देखो जब आप नीचे के पेड़ काटते हो तो ये कुछ ना कुछ हद तक इसे कॉम्पिटिशन दे ही रहे होंगे, तो आप इसका कॉम्पिटिशन रिमूव कर दोगे। वीडीड की इशू होगी, पेस्टिसाइड इंसेक्ट मींस पेस्ट इंसेक्ट की इशू होगी, वो सॉल्व कर दोगे, वीड वाला मुद्दा आपका सॉल्व हो गया। ये स्पीसीज सपोज रीजनरेशन करना चाहती है, तो पहले तो एक इशू तो इन्हीं का है, धूप ऊप आ नहीं पा रही है, जो थोड़ा बहुत आई यहाँ पर सीड पड़े होंगे, ये इनने खाली पीले में कॉम्पिटिशन दे रखा है, तो यहाँ पर रीजनरेशन वगैरह नहीं हो पाता है। तो रीजनरेशन वाला मुद्दा हो आपको तो वहाँ हेल्प हो जाता है। इसी के कुछ अगर इन्फीरियर क्वालिटी के हैं तो वो लगे लगे यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें निकाल दो। इनका एक फायदा ये है कि जब आप ये सारी चीजें निकालते हो तो कुछ तो मटेरियल निकला जिसे आप मार्केट में बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे। हालांकि जो टिम्बर निकलेगा वो स्मॉल साइज का ही होगा, तो स्मॉल साइज का हमें टिम्बर मिल जाएगा, यहाँ से कुछ इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, सिंपलेस्ट एंड इजी है, क्योंकि नीचे नीचे की काटने हैं, किस जो मजदूर हैं, फॉरेस्ट गार्ड है, बोल दिया नीचे को उड़ा दो, वो उड़ाता चला जाएगा। मार्केट फॉर स्मॉल टिम्बर, क्योंकि स्मॉल टिम्बर निकल रहा है तो ये वहाँ पर जहाँ स्मॉल टिम्बर का मार्केट है, छोटा मोटे बीमी मिल जाती है, वहाँ ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि इन्हें वहाँ बेचा जा सकता है आराम से। सुटेबल फॉर लाइट डिमांडर स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो लाइट डिमांडर है उनकी यहाँ रीजनरेशन में ये ज़्यादा सुटेबल है। हाइजीनिक कंडीशन इम्प्रूव कर देंगे, क्लिम्बर वगैरह अगर वहाँ कोई ग्रोथ हो रहा है उन्हें हटा दिया जाता है इसमें, और बकाया की खाली पीली की चीज़ें। इसके डिसएडवांटेजेस मेथड के, देखो अपना पर्पज तो है ये बड़े बड़े वाले पेड़ों ग्रो करना,
अगर रूट जोन की बात की जाए तो ये छोटे पेड़ों की रूट जोन है ऊपर ही होगी, इनकी रूट जोन है बड़ी होगी। तो अगर रूट जोन की बात की जाए तो ये बहुत हाई लेवल का कोई कॉम्पिटिशन तो दे नहीं रहे थे। खाली पीली में आपने मेहनत करवा दी, मजदूरों को 2 महीने लगवा दिया इसमें काटने में, तो एक तो अननेसेसरी आपने काट छाट कर दी। दूसरा, अगर स्मॉल टिम्बर का मार्केट नहीं है तो जो काट के निकाला वो बेचोगे कहाँ। तीसरा इशू है कि अगर यहाँ पर ग्राउंड बहुत डेंस नहीं है और ऊपर से अगर रेनफॉल हो रही है तो रेनफॉल नीचे सॉइल इरोजन कर सकती है, तो कम से कम ये जो लोअर वेजिटेशन है वो कुछ हद तक कम से कम सॉइल को कवर तो कर रही थी, कम से कम कुछ हद तक प्रोटेक्शन तो कर रही थी। वाइल्ड लाइफ है उसको एक शेल्टर की तरह काम कर रही थी, तुमने वो और निकाल दिया। तो एक्सपोजर ऑफ सॉइल है, देर इज नो मार्केट फॉर टिम्बर, तो क्या करोगे। इसमें कई बार हम प्रीडोमिनेंट जो है ये यूटिलाइज नहीं कर पाते, मीन्स वो रूट कॉम्पिटिशन ज्यादा है नहीं, उसका मुद्दा है कॉम्पिटिशन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, थॉर्नी एक बोला कि भाई नीचे खाली पीली में कटीले अटीले झाड़ियां और उगाती हैं, मजदूरों को लगा दे बेचारे बैठ करके फिर कांटे और निकालते रहे, खाली पीली के काम हो गए। तो आपको समझ में आया ऑर्डिनरी थिनिंग क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब वही ऑर्डिनरी पीपल में बहुत कैटेगरी होती है, तो वैसे ऑर्डिनरी थिनिंग की 5 सब टाइप है। इनकी इस टाइप से है ग्रेड ए बी सी डी ई, ई तक जाते हैं। यहाँ पर देखो लाइट, लाइट थिनिंग इसे बोलते हैं, लिख के आएगा लाइट ऑर्डिनरी थिनिंग या ऑर्डिनरी लाइट थिनिंग। इसके अंदर क्या करेंगे अपन पढ़ेंगे, लाइट थिनिंग, लाइट के बाद मॉडरेट, और यहाँ तीसरे पे आ गई हैवी, वेरी हैवी, और यहाँ एक्सट्रीमली हैवी। तो टर्म में याद रखें लाइट मॉडरेट हैवी, या समझ लो कि ये लाइट है, ये हैवी है और ये एक्सट्रीमली हैवी है। तो यहाँ पर थोड़ा वेरी हैवी इस टाइप का कुछ टर्म है, ये एक्सट्रीम हैवी और लाइट, बकायदे बीच के 2 है तो आराम से याद हो जाता है। अब हम लोग इन्हें कैसे समझेंगे, आप इसे पढ़ लोगे, पढ़ना जरूर है आपको, लेकिन समझ कैसे सकते हैं। हम लोगों ने ये ग्राउंड में पढ़ा था, सप्रेस जो डोमिनेट है उसकी आधी हाइट तक होते हैं, डोमिनेटेड है वो उसके 3/4 तक हाइट तक होते हैं। तो अब हम लोग इसे एक एक करके पढ़ते हैं। ग्रेड ए या लाइट थिनिंग या लाइट ऑर्डिनरी थिनिंग या ऑर्डिनरी लाइट थिनिंग, इसमें क्या करेंगे, वहां नीचे के जितने भी पेड़ थे डेड डाइंग डिसीज सब निकाल लेंगे, और जितने भी सप्रेस्ड पेड़ होंगे, जितने भी सप्रेस्ड होंगे सबको साफ कर देंगे, यानी कि नीचे का 50% जो एरिया था वो सब साफ कर दिया, खरेना उठा दिया इसका, बस केवल पेड़ पेड़ डंडे से लगे रह जाएंगे यहाँ। ये है ए ग्रेड की थिनिंग या लाइट थिनिंग, नीचे पूरा खरेना उठा दिया फिर भी लाइट बोल रहे हैं। दूसरा है मॉडरेट, मॉडरेट में क्या करेंगे, हमने नीचे तो साफ कर ही दिया, अब हम ऊपर वालों पर भी थोड़ा थोड़ा हाथ फेर रहे हैं। इसमें क्या है, कुछ जो डिफेक्टिव होंगे डोमिनेटेड, डोमिनेटेड मीन्स स्मॉल डी, कुछ डिफेक्टिव डोमिनेटेड और कुछ पतले से विप जैसे हो उन्हें, मतलब डिफेक्टिव ही है ये विप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डोमिनेटेड में कुछ को डिफेक्टिव वालों को निकाल रहा है बीमा देना, यहाँ सप्रेस गए, यहाँ पर डोमिनेटेड से स्टार्ट किया और यहाँ पर तो सभी डोमिनेटेड निकाल दिया, और अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ डिफेक्टिव को डोमिनेंट में हमने हाथ लगा दिया। को डोमिनेंट क्या, डोमिनेंट के 2 टाइप होते हैं, प्री डोमिनेंट और को डोमिनेंट, 2 होते हैं, प्री डोमिनेंट बिल्कुल टॉप के, को डोमिनेंट थोड़े नीचे। तो आपको याद रखना है यहाँ पर पूरे सप्रेस्ड गए, यहाँ पर पूरे डोमिनेटेड गए, ठीक है, और डोमिनेंट के साथ यहाँ कुछ को डोमिनेंट गए। डी या वेरी हैवी, इसमें कुछ डोमिनेंट लेकिन परमानेंट कैनोपी गैप, नॉट मेकिंग एनी कैनोपी गैप, यहाँ पर कोई कैनोपी गैप नहीं माने बनाएंगे। और एक्सट्रीमली हैवी में क्या है, हम लगभग जो डोमिनेंट है उसमें भी काट छाट कर देते हैं, और यहाँ इतना कर देते हैं कि कैनोपी में गैप बन जाता है लेकिन ये परमानेंट ना बने, मतलब अगले 6 महीने या 1 साल में भर जाए। एक बार आप समझ लोगे इसे ए बी सी डी ई, आपको ऑर्डिनरी थिनिंग समझ में आ जाएगी। अब आती है अपनी तीसरी थिनिंग, ग्राउंड थिनिंग। अब भाई हम लोगों ने ये जो ऑर्डिनरी लोग थे इन्हें तो निपटा लिया, अब देखेंगे ऊपर वालों को, ये है ग्राउंड थिनिंग, इन्हें समझ लेते हैं। ग्राउंड को क्या बोलेंगे, ऊपर वाले, तो कौन होंगे, फ्रांस वाले, तो इन्हें बोलेंगे थिनिंग फ्रॉम अबव, हाई थिनिंग या फ्रेंच थिनिंग।
इसमें कटाई छटाई किसकी करने वाले हैं हम लोग? ऊपर के पेड़ों की। तो इसमें क्या करेंगे, देखो अगर नीचे की वेजिटेशन अपने कोई भी टाइप की दिक्कत खड़ी नहीं कर रही तो हम इन्हें छेड़ते भी नहीं है। बोले कि काय को सिर का दही करो। जब हमारे यहाँ आसपास सपोज हम लोग डीप हिमालय में है या कहीं ऐसे डीप फॉरेस्ट एरिया में है जहां हम इन्हें काट करके मार्केट में नहीं बेच सकते तो क्यों खाली पीली में मजदूर लगाए यहाँ? कॉमर्शियली प्रॉफिट देखा जाता है। अगर आप यहाँ कटाई छटाई खाली पीली में करते रहोगे तो एक तो मजदूरों को पैसा देना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा, आपका बजट बढ़ जाएगा खाली पीली में। दूसरा अगर सपोज यहाँ सॉइल इरोजन है, कोई पहाड़ी ला एरिया है, सॉइल इरोजन की दिक्कत हो सकती है इस रिली हटाने पर, तो भी हम नहीं हटाते हैं। इनके हटाने का केवल एक ही केस है, अगर ये इन्फेक्शन का कोई काम कर रहे हैं, बीमारियों का घर बन रहे हैं, तो हम इन्हें रिमूव करेंगे। अदरवाइज हम लोअर वेजिटेशन को टच भी नहीं करेंगे, अपना काम सीधा ऊपर के से है। और ऊपर के में भी क्या करेंगे, इसमें अच्छे अच्छे पेड़ों का हम देख लेंगे और वो पेड़ जो हमारे लिए खतरा पैदा हो रहे हैं, यानी कि इसमें कुछ जो इन्फीरियर क्वालिटी के पेड़ हैं, अगर 100 पेड़ हैं उसमें से अगर 30 पेड़ या 40 पेड़ ऐसे हैं जो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं तो हम उन्हें हटा देंगे। उससे क्या है कि जो स्पेस क्रिएट होगा जिससे जो बेटर क्वालिटी के हैं वो और बेहतर ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसे क्या है, इन्फीरियर ट्री अमंग द डोमिनेंट ट्री। लोअर जो है वो इफ दे क्रिएट इशू, लोअर तब जब ये कोई इशू क्रिएट करें, अदरवाइज इसमें केवल इन्फीरियर इन्फीरियर को हटा देंगे और अपना काम खत्म। ये हुआ अपना क्राउन थिनिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पेड़ जो हमारे लिए किसी मतलब के हैं उन्हें हम अपना सिलेक्ट करके उन्हें बचा लेते हैं, नीचे इनसे कोई फर्क है नहीं। तो अब एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज ये है कि जो वैल्यूएबल पेड़ हैं अपना पूरा कंसेंट्रेशन उन पर रहता है, इन्फीरियर को हटा के उनकी प्रॉपर ग्रोथ कराते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो अनवांटेड जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो बच जाता है। सॉयल इरोजन, ये सारी चीजें, वीड है, ग्रोथ है, अगर कुछ वेजिटेशन है तो वो कम से कम वीड ग्रोथ को तो चेक कर रही है, तो वो सारी चीजें यहाँ कुछ हद तक बची रहती हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, पेड़ों को किसे काटना किसे नहीं काटना, यहाँ DF हो या CF नहीं जाएगा, मजदूर ही जाएंगे, तो एक दिमाग का दही होता रहता है। कई बार बोलते हैं ये काटना है, वो कुछ और ही उड़ा देते हैं। क्राउन थिनिंग ऑब्जेक्टिव है प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्टेड पोटेंशियल फाइनल ट्रीज। अब इसके भी कुछ टाइप होंगे, टाइप में क्या है, लाइट क्राउन और हैवी क्राउन। जैसा मैंने बोला, लोअर जो है ऑर्डिनरी थिनिंग या लोअर थिनिंग है या आम आदमी है, उनमें बहुत ज्यादा कैटेगरी होती है। ऊपर वालों में यही हो सकते हैं कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और कोई बिजनेसमैन है, ज्यादा कैटेगरी नहीं होती है इनमें। तो यहाँ पर एक लाइट क्राउन है और दूसरा है हैवी क्राउन। इसमें क्या है, लाइट में केवल ये जो ऊपर की कैनोपी में जो बीमार हैं, पतले पेड़ हैं, बहुत अच्छा क्राउन नहीं है, बोल पेड़ हैं, इनको हम निकाल देते हैं। और हैवी क्राउन में सभी को जो भी है मतलब के छोड़ के बकाए के हम क्लास 1, 2, 3 तक के आराम से निकाल दिए जाते हैं। ये हो गया अपना यहाँ क्राउन थिनिंग। एडवांटेज डिसएडवांटेज वो चीज़ अपनी हो गई कि भाई डिसएडवांटेज क्या है, आपको स्किल की ज़रूरत होती है, नीचे के पेड़ हैं वो कभी इन्फेक्शन वगैरह कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग कैरिंग सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन, क्योंकि आप कोई ऑपरेशन करना चाहते हो नीचे पूरा पूरा झाड़ वो वेजिटेशन फैल रखी है तो आपको मूवमेंट में आसानी नहीं जाती है, परेशानी खड़ी हो जाती है। और ये जो लोअर वेजिटेशन है वो कुछ हद तक आपको रूट कॉम्पिटिशन भी क्रिएट कर सकती है। अगर ये जैसे बोला अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो हम काट ही देते ना, तो मेजोरिटी केस में ये करते नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो रहता ही है, तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इसमें सीड जर्मिनेशन है उस टाइम पे कुछ इशू क्रिएट हो सकते हैं न्यू वेजिटेशन के लिए, तो बहुत सारी इशू आ जाते हैं इसमें। ऑर्डिनरी थिंग के एप्लीकेशन कहाँ का अप्लाई करेंगे ये जरूर देख लेना है। तो एक तो हम वैसे एरिया में जहाँ स्मॉल टिम्बर की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर तो नीचे के काटने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ तो हम यही अप्लाई करेंगे। डिमांड मॉडरेटली सेट टॉलरेंट स्पीसी सच एज साल ग्रोविंग अंडर द
लोअर कैनोपी। तो एक तो हम उस एरिया में अप्लाई कर देंगे जहां हमें नीचे के कैनोपी में कुछ ऐसे पेड़ों को उगाने की जरूरत हो जिन्हें थोड़ी सेड की जरूरत है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में साल के साथ होता है डाइंग बैक। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपर कैनोपी अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं और लोअर कैनोपी है जिसे हम हटाने वाले नहीं है उसमें साल ग्रो कर दिया। तो जब ऊपर कैनोपी अपन हार्वेस्ट कर देंगे कुछ दिनों बाद तो नीचे साल है वो ऊपर आ जाएगा। दूसरा, डिमांड फॉर रिलेटिवली बिग साइज टिम्बर, क्योंकि हम लोग वो जो ऊपर के पेड़ है वो तो बड़े साइज का ही टिम्बर है, फ्रॉस्ट स्नो ड्राउट वगैरह है इनका डैमेज वगैरह है, तो बड़े पेड़ नीचे के कैनोपी को बचा लेते हैं। तो कई बार हम लोग नीचे इस टाइप के लगा देते हैं। ये हो गए। अब देखो, हम लोग अभी तक तीन चीजें पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल थिनिंग, ऑर्डिनरी थिनिंग, क्राउन थिनिंग। इसमें क्या पढ़ा था हम, थंब रूल या स्टिक रूल से चलते थे, इसमें लोअर कैनोपी काटते थे, इसमें अपर कैनोपी। इसके दो टाइप है, स्टिक या स्पेस, इसके पांच थे, इसके दो, अपर लाइट क्राउन और हैवी क्राउन। इसमें किसके एग्जाम्पल है, टीक और देवदार। इसमें तब जब हमें स्मॉल टिम्बर लेना हो, इसमें जब साल में एग्जाम्पल है बिग साइज का टिम्बर है या प्लाईवुड इंडस्ट्री है जहां सीधा स्ट्रेट बोल की जरूरत होती है। ये तीन को हमने एक टाइप से समझ लिया, कुछ हद तक रिविजन हो गया आपका। अब देखेंगे, तीन तो हो गए, बस ये तीन, फ्री थिनिंग, क्रैप थिनिंग और न्यूमेरिकल, ये सबसे आसान है। पहला देखेंगे फ्री थिनिंग, इसी को बोलते हैं इलाइट थिनिंग। इलाइट थिनिंग, फ्री थिनिंग, सिंगल स्टेम सिल्वीकल्चर या हैक फ्री थिनिंग, ये क्या है? अपने पास जो वेजिटेशन हम लोगों ने लगाई थी, हम लोग ऐसे जाएंगे और इसमें ये देखेंगे कि ये जो हजार पेड़ खड़े हुए हैं अपने सामने, अपने मतलब का जो डायमीटर है, जो भी आपको चाहिए था, उसके हिसाब से कौन कौन से पेड़ हैं जो आपके हिसाब के हैं। आपने अपने साइज शेप के हिसाब के वो जो भी 50-100 पेड़ जो है उन्हें सिलेक्ट कर लिया, बस खत्म। इसके बाद बकाए के जो पेड़ हैं, इच्छा हो तो काट दो, इच्छा हो तो छोड़ दो। वो अगर समस्या नहीं कर रहे तो छोड़ देते हैं, समस्या थोड़ी भी है तो उड़ा देते हैं उन्हें। अपना पूरा कंसेंट्रेशन वो 80-100 पेड़ों पर रहता है, यानी कि हमने क्या किया कि वो जो कम्युनिटी थी उस कम्युनिटी के इलाइट लोगों को सिलेक्ट कर लिया, और इसके अलावा बकाया के जो लोग हैं उनके लिए अपना जो इम्पोर्टेंस है वो 0/0 है, कोई मतलब नहीं है। अगर वो थोड़ा भी इनको कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, उनकी कंपनी को हम बंद कर देंगे, पूरा नीचे ही से उड़ा देंगे, खत्म काम। इसे बोलते हैं मॉडिफाइड क्राउन थिनिंग। क्यों? क्योंकि क्राउन थिनिंग में भी हम क्या कर रहे थे, जो क्राउन में लाइट या हैवी है उसमें भी जनरली हम यही कर रहे थे कि अच्छे पेड़ों को छोड़ करके बकाए के जो इन्फीरियर थे उन्हें निकाल रहे थे। अब इसमें तो जो अच्छे पेड़ थे उनमें भी वही जो सबसे अच्छे हैं, जो अपने बिल्कुल मतलब के हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं इसमें। तो ये उसका भी थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, इसलिए से बोलते हैं मॉडिफाइड क्राउन थिनिंग। इसमें क्या करेंगे, डोमिनेंट यानी कि D1, यानी कि ये यहाँ लिखोगे तो हम प्रीडोमिनेंट और कोडोमिनेंट और ज्यादा से ज्यादा हद्दा डोमिनेटेड, इनको छोड़ के सबको निपटा देते हैं। सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया कि एक सोसाइटी है पेड़ों की, उसमें से इलाइट लोगों को पकड़ोगे और बकाए इनको बोल दोगे साफ हो जाओ, फटाक से काम खत्म। ये क्या है, इलाइट थिनिंग। मेरिट क्या है, आपको आखिर जो क्रॉप मिलनी है वो तो इन्हीं से मिलनी है, वही पेड़ मिलने हैं जो अच्छे हैं। तो आपको कम से कम जहां पर आपको मिलने वाला है प्रॉफिट, केवल वहीं पर अपना पूरा ध्यान जो है वो कंसंट्रेट करो। तो फाइनल क्रॉप ग्रो फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, क्योंकि इन पेड़ों को किसी ने भी थोड़ा भी कंपटीशन दिया वो बेचारा गया, काट दो उसे। सिंपलेस्ट एंड ऑफर ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। सबसे ज्यादा कन्वीनियंस क्यों है, क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं उन पर हम जाकर के मार्क लगा के आ जाते हैं और मजदूरों से बोल दिया जाता है कि बकाए के जितने भी मार्क लगे हैं उन्हें छोड़ के कोई भी लग रहा है कि ये मार्क वाले को समस्या खड़ी कर रहा है, उठाओ कोढ़ारी, उड़ा दो उसे बेचारे को। ये रहा। नेक्स्ट है क्रैब थिनिंग या एडवांस थिनिंग। क्रैब मतलब केकड़ा। इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो अलग ही दुनिया के ताव में है। ये बोल रहे हैं कि देखो आपकी ये वेजिटेशन है, इनके बीच में कंपटीशन क्रिएट हो,
फिर हम ये थिनिंग करते रहे, बोला इस बकलोली में हम नहीं चलते हैं, ये पेड़ आपके ग्रो हो रहे हैं, इससे कि पहले इनके बीच में किसी टाइप का कंपटीशन हो हम बीच वाले पेड़ों को पहले ही उड़ा देते हैं। यानी कि ये हर काम एडवांस में करते हैं, अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला इनने पहले से ही पेड़ों को काट दिया। ग्रैब या एडवांस बिफोर द कंपटीशन स्टार्ट अमंग द इंडिविजुअल ट्रीज, ठीक है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन होगा तो इस पेड़ का कुछ तो वॉल्यूम जो ग्रोथ होना चाहिए कुछ तो कम होगा, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो अपनी मनमर्जी से ग्रोथ करता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन से पहले ही उड़ा दिया इन्हें। तो रिमूव ऑफ लॉस ऑफ वॉल्यूम, ये जो मैन पेड़ है उनके किसी भी टाइप का लॉस नहीं होता। रिमूविंग सरप्लस जो इंडिविजुअल्स हैं, रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन, उसमें हम लोग इसे यूज करते हैं ग्रैब थिनिंग को, जिससे पर ट्री जो है हमें मैक्सिमम वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया में मैक्सिमम वॉल्यूम मिल सके। अब आ जाता है अपना लास्ट थिनिंग, न्यूमेरिकल थिनिंग। ये सबसे सिंपलेस्ट थिनिंग समझने के लिए है, वैसे नहीं है। इनने क्या कर दिया कि भाई देखो तुम्हारे जितने भी थिनिंग है इनमें बहुत माथा पच्ची है, हमें तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दो कि एरिया का कितना वॉल्यूम से लिंकेज कर दो, हाइट से लिंकेज कर दो, या किसी से भी लिंक कर दो, और जितना एक्स्ट्रा होगा उतना हम काट देंगे। मतलब सपोज आपने ये बोल दिया कि पेड़ों की हाइट है, हाइट को मैंने रेशियो दे दिया दो, और इनका नंबर ऑफ स्टेम है उसका रेशियो दे दिया कुछ, बोला इनके बीच का रेशियो आपने बोल दिया कि इनके बीच का रेशियो आपका 100 आना चाहिए। जैसे इस एरिया में रेशियो 100 से ऊपर गया हम कुछ पेड़ों को काट के अपना रेशियो मेंटेन कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल मतलब किसी भी टाइप का हमने न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनाया है और उसके हिसाब से हम यहाँ का जो एवरेज है वो मेंटेन करते जा रहे हैं। जब स्टार्टिंग में है नंबर ऑफ पेड़ ज्यादा होंगे, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम भी होगा तब भी वो बना रहेगा, जैसे जैसे पेड़ बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा पर हेक्टेयर, तो पेड़ को काट के वो वॉल्यूम मेंटेन करते रहेंगे। ये है अपना न्यूमेरिकल थिनिंग। यहाँ पर हम लोग थिनिंग जो ऑपरेशन है उन्हें पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे अनइवन एजेड में। अनइवन एजेड के ही केस में हम लोग एक तो करते हैं इम्प्रूवमेंट फिलिंग, कौन सा करते हैं इम्प्रूवमेंट फिलिंग, दूसरा जो है सिलेक्शन थिनिंग। सिलेक्शन थिनिंग या इम्प्रूवमेंट बात वही हो जाती है लगभग। इसमें क्या करेंगे, पेड़ तो दुनिया भर के खड़े हैं, हम लोग वो पेड़ जो समझ में आ रहा है कि ये अपने पेड़ मतलब का है, इसके आसपास जो मतलब कि क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट है पूरे में वेजिटेशन आपकी फैल रखी है, तो कोई मतलब का पेड़ है तो उसके आसपास जो कंपटीशन क्रिएट कर रहा है उनको सिलेक्ट करके आपने कट कर दिया, आपको पूरे एरिया से मतलब नहीं है। यहाँ पर एक कोई पेड़ था उसके मतलब वाले एरिया को साफ कर दिया, तो इसे बोलेंगे आप सिलेक्शन थिनिंग। अनइवन एजेट में क्या करते हैं, सिलेक्शन थिनिंग और इम्प्रूवमेंट फिलिंग। यहाँ पर आकर के अपने थिनिंग ऑपरेशन जो है वो खत्म आ जाते हैं। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो थिनिंग ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, आपका एरिया की फर्टिलिटी कितनी है, आपका मैनेजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास पैसा कितना है, लोकल में मार्केट स्मॉल टिम्बर के लिए है कि नहीं, स्पीसीज कितनी है, साइट क्वालिटी, एज वगैरह, यही सारे फैक्टर अपने आ जाते हैं इसमें। दूसरा आप क्लाइमेटिक एडेप्टिव फैक्टर को भी जोड़ सकते हो, क्लाइमेटिक में अगर वहाँ पर सॉइल इरोजन की केस है तो आप जो लोअर ऑर्डिनरी थिनिंग है वो आसानी से नहीं करोगे क्योंकि नीचे सॉइल इरोजन हो सकता है, तो आप इस केस में क्राउन थिनिंग या इनको एक मैनेज लेवल पे करोगे, लेकिन मैकेनिकल थिनिंग तो 100% नहीं करने वाले जहाँ आपके स्लोप हो, क्योंकि ऐसे में अगर रेनफॉल हो गई तो पूरा इरोजन हो जाने वाला है, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे। यहाँ पर हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में वही एक्सप्लेन डिफरेंट ग्रेड ऑफ थिनिंग, वही सारे जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे थे हमने वही क्वेश्चन यहाँ आ गए। यहाँ पर अपना थिनिंग मुद्दा कंप्लीट हो जाता है। अब एक होता है मियावाकी फॉरेस्ट का इशू है, अक्सर कई बार न्यूज में आ जाता है मियावाकी फॉरेस्ट। होता क्या है कि जो फॉरेस्ट्रीज है, आपने फॉरेस्ट्री काफी पढ़ ली है, आपको पता है कि हम पेड़ कैसे ग्रो करते हैं, लेकिन कोई अदर स्ट्रीम से है जिससे फॉरेस्ट्री की नॉलेज नहीं है और वो ऐसी कुछ दो चार काम कर लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने एक बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो वैसे ही है मियावाकी भाई साहब, जापानीज हैं, इन्होंने क्या कर लिया कि हम एक काम करेंगे, एक ऐसी वेजिटेशन का पैच लेंगे, एक एरिया लेंगे
उस एरिया में हम लोकल जो वेजिटेशन है, जैसे कि अपना फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में क्या होता है, कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट स्टेटा की होती है। कुछ ऐसी वेजिटेशन है जो टॉप कैनोपी बनाती है, कुछ मिडिल है, कुछ लोअर है। तो इन्होंने क्या किया कि हम ऐसी लोकल में, अगर मैं यहाँ दिल्ली में कर रहा हूँ, तो दिल्ली के आसपास के जंगल में वो वेजिटेशन जो टॉप है उसकी 5-10 स्पीसीज ले ली, 5-10 स्पीसीज इसकी, 5-10 स्पीसीज इसकी, और कुछ ग्रासेस। ऐसे इन सभी को इकट्ठा करेंगे और जो भी अपने पास सिलेक्टेड एरिया है उसमें हम इनकी प्लांटेशन कर देंगे, और प्लांटेशन करके हम उन्हें पानी आनी देंगे, अगले 2-3 साल मेंटेन करेंगे और जंगल खड़ा हो गया। अब ये एक्चुअल में जंगल नहीं है, आपने यहाँ पर पेड़ खड़े कर दिए। जंगल का मतलब है या फॉरेस्ट का मतलब है पूरा इकोसिस्टम। यहाँ 2 कबूतर आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह फॉरेस्ट हो गया। लेकिन भाई क्या है कि अदर जो स्ट्रीम है, अगर वो बीच में काड़ी करेंगे तो ऐसे ही होता है। इकोसिस्टम का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये एक टाइप से वुडलैंड है। लेकिन प्रमोट ऐसे किया जाता है कि भाई हम ऐसा करेंगे और हम फटाक से 5-10 साल में वो फॉरेस्ट जो बनने में 200 साल 300 साल लेता है, हम यहाँ 5 साल में फॉरेस्ट बना सकते हैं। सिटी के लोग हैं, यही समझ में आता है उनके के पेड़ खड़े हो गए, जंगल से हो गए, घास फूसी हो गई, जंगल बन गया। तो वही अपने मियाँ बाकी भाई साहब हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर दुनिया भर के बता रखा है कि हम भाई नेचुरल फॉरेस्ट के कंपेयर में हम यहाँ पर 10-10 टाइम फास्टर, अगर किसी एरिया को खाली छोड़ दो वहाँ पर फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, उसके कंपेयर में हम यहाँ 10 टाइम फास्टर वेजिटेशन ग्रो कर लेते हैं और 30 टाइम डेंसर वेजिटेशन हम ग्रो कर लेते हैं, और जल्दी से उस एरिया को हम फटाक से फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इनके कैसे ग्रो करेंगे, मेथड क्या होंगे, सिंपल से है, अपन जानते हैं। ये क्या करेंगे, कोई एरिया लेंगे, उसी एरिया में गड्ढे अड्डे खोदेंगे, उसको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह छिड़क देंगे, आसपास जो कैनोपी है उसके हिसाब से सीड कलेक्ट कर लेंगे, सीड को वही है प्रोसेसिंग करके सीड डोरमेंसी रिमूव कर करके वहाँ पर प्लांटेशन करवा डालेंगे, अगले 2-3 साल रखवाली करेंगे और भाई बन गया मियावाकी फॉरेस्ट। अब मुद्दा क्यों है, आजकल न्यूज में आ जाता है ये कि भाई इसके पॉजिटिव क्या है, न्यूज़पेपर वाले भी वैसे ही तलंडी वाले हैं, उन्हें भी नहीं पता भाई, फॉरेस्ट ही तो पढ़ा नहीं है, तो वो भी इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो भाई इसके फायदे क्या हैं कि आप जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इस टाइप के छोटे छोटे पैच बन के जिन्हें आप बोल सकते हैं माइक्रो कार्बन सिंक, इन्हें ग्रोथ करके आप कुछ हद तक पॉल्यूशन जो अर्बन पॉल्यूशन है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, इसको मेंटेन करने में आप हेल्प कर सकते हैं। ये तो इतना तान मार देते हैं कि जो 200-300 सालों में फॉरेस्ट बनता है हम वो 20-30 साल में कर लेते हैं, लेकिन उसको सभी चाहे वो बॉटनी वाले हैं या फॉरेस्ट्री वाले हैं वो वही बोलते हैं कि भाई साहब तुमने केवल पेड़ खड़े कर दिए हैं, इसे वुडलैंड बोल सकते हैं, हम जंगल नहीं बोलते हैं। लेकिन छोड़ो भाई, ये 10 टाइम फास्ट लंबी चौड़ी चीज़ें चल रही हैं इनकी, पढ़ लेना समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बस मुद्दा क्या है कि आजकल न्यूज में आती रहती है इसलिए इसे पढ़ लिया। अब न्यूज में इसके निगेटिव आर्ग्यूमेंट भी है, जो फॉरेस्टर हैं या जो बॉटनिस्ट हैं वो भी इसके निगेटिव में है, बोलते रहते हैं कि मियाँ बाकी से एक टाइप से लोगों के दिमाग में ये जाता है कि हम जब 20-30 साल में फॉरेस्ट कट कर सकते हैं, तो कोई नेचुरल फॉरेस्ट है उसे कट कर दो, अगले साल में 20 साल में हम फिर फॉरेस्ट उगा देंगे, तो एक टाइप से फॉरेस्ट को कट करने को आप जस्टिफाई कर रहे हो। अभी भी कहीं भी फॉरेस्ट कट होता है तो एक टाइप से लोग रिवोल्ट कर देते हैं कि नहीं फॉरेस्ट नहीं कटने देंगे, फिर लोगों को एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा कि नहीं कोई बात नहीं 20-30 साल में वैसे भी उगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से फॉरेस्ट वेजिटेशन को कट करने थी जो रिवोल्ट है वो कहीं थोड़ा धीमा हो सकता है। दूसरा, ये फास्ट ग्रोविंग है, ये एक्चुअली केवल वुड लॉट है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है ये। और इस मेथड के जितना इन्होंने लंबी चौड़ी बातें कर रखी है, ये उतना एफिशिएंट है भी या नहीं इस पर भी कुछ कंफर्म हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत अगर और पढ़ना है तो यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट वगैरह दे रखी हैं, उन्हें देख लेना, और जानकारी मिल सकती है इस पर। यहाँ आके अपना सिल्वी कल्चर वाला मुद्दा है वो हो गया द एंड।